hey guys welcome to my channel biocastle I hope you are going to enjoy the video as I'm going to discuss very very important topic and interesting topic inheritance biology so if you like it then please hit like button share comment and do subscribe and press the bell icon so that you get the bell notification on the first go and share your immense love for my videos. thank you so much. ओके okay, तो आगे बढ़ने से पहले यू ऑल शुड रिमेम्बर यू आर योर ओन हीरो तो प्लीज अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से एक एंथुजियाजम से करते रहिए एंड कुछ भी मुश्किल नहीं है जस्ट हैव द होप टू क्रैक एवरी एग्जाम ओके सो नाउ विल प्रोसीड टू आर मेन टॉपिक दैट इज क्लासिकल जेनेटिक्स ओके फाइन फाइन सो अभी अभी हमने ये जो क्लासिकल जेनेटिक्स का जैसा भारी भरकम वर्ड यूज किया है इससे डरने की जरूरत नहीं है यू शुड नॉट गेट स्कैड because of this because this is simply inheritance biology inheritance biology is a chapter in class 12th ncrt book and iska matlab inheritance matlab it is related to heredity but

तो इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस वर्ड मतलब होता है टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू सम स्पेशल फैक्टर्स नोन एज जीन्स जबकि फंडामेंटल का मतलब है यहां पर जीन की जो बात हो रही है जीन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है फंडामेंटल प्रोसेसेस जो हैं उसके बारे में जानना मॉलिकुलर जेनेटिक्स अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पर एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रही हूं ठीक है ये डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है अब यहां पर मैंने बनाया एक क्रोमोजोम क्रोमोजोम क्या है क्रोमोजोम इज अ स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ किससे बना हुआ है डीएनए से बना हुआ है ठीक है ठीके? अब ये जो क्रोमोसोम होता है इसके ऊपर ये मैंने पार्ट शो किए हैं ठीक है ठीके? इनको हम जीन्स का नाम देते हैं अब आपको पता होगा जैसे आपके हेयर का जो कलर है हेयर के कलर को अगर हम बोलते हैं कि चलो ब्लैक कलर है या ब्राउन कलर है या ग्रे कलर है तो वो कलर कहाँ से आ रहा है क्यों क्योंकि हमारे हेयर के कलर के जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये जो एक्सप्रेशन वाला पार्ट है जीन के एक्सप्रेशन वाला पार्ट इसी को हम एक स्टडी के नाम से जानते हैं जिसका नाम इनहेरिटेंस बायोलॉजी होता है ठीक है अब अगर मैं जानना चाहती हूं कि ये जो जीन है इसके कॉम्पोजिशन क्या है कॉम्पोजिशन समझ रहे हैं वर्ड को तोड़कर देखिए कॉम्पोजिशन वर्ड आया है कॉम्पोनेंट से कॉम्पोनेंट का मतलब क्या है यहाँ पर कॉम्पोनेंट का मतलब है कि कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं किसको बनाने में जीन्स बनाने में तो यहाँ पर अब मोलिकुलर बायोलॉजी का यूज होगा मोलिकुलर बायोलॉजी से हम स्ट्रक्चर यानी कि फंडामेंटल चीजों को जान सकते हैं इन दिस फिगर यू कैन सी थ्री जनरेशन ऑफ अ फैमिली And you can see these three generations are slightly different from each other. Why? Because of some differences which are passing from one generation to another and these differences are called as variation. fine now you can see here in this picture this is one chromosome this is another chromosome now some students get confused then we call this as chromosome we don't call this as chromosome but no this is also one chromosome but the difference is you know very well one chromosome is made up of dna this chromosome is also made up of dna but here the dna content is less here dna content is double

अगर मैं बात करती हूँ इन आर्म्स का नाम क्या होता है जो होता जो ठीक है ठीके? अगर मैं एक ही क्रोमोजोम के दो आर्म्स की बात कर रही हूं तो हम इनको सिस्टर क्रोमैटर्स के नाम से जानते हैं आपस में ये हमेशा एक बहुत अच्छा रिश्ता निभा रहे हैं इफ यू अंडरस्टैंड द टर्म chromatids, देन यू विल also अंडरस्टैंड द टर्म सिस्टर chromatid. नाउ यू कैन सी हियर these टू आर्म्स बिलोंग टू सेम क्रोमोजोम जैसे कि एक बच्चा और दूसरा बच्चा दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं वैसे ये दोनों आर्म्स भी एक ही क्रोमोजोम से बिलोंग कर रही है तो इनको हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इन्हें सिस्टर क्रोमैटेड ओके सिस्टर क्रोमैटेड वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्फ डिविजन चैप्टर एज वेल एज दिस डे याद करो वो दिन जिस दिन तुम किसी एग्जाम में फर्स्ट आए थे और तुम्हें मदर से और फादर से दोनों से चॉकलेट्स मिलने थे और तुम बहुत खुश हो गए थे वैसा ही एक वर्ड इक्वल शेयरिंग का यहाँ पर यूज़ होता है होमोलोगस बट यहाँ चॉकलेट्स का शेयरिंग नहीं यहाँ क्रोमोजोम्स का शेयरिंग है यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम वर्ड कहाँ से आ रहा है देखिए ध्यान से ये एक क्रोमोजोम है जो फादर से आया है ये क्रोमोजोम मदर से आया है अगर हम होमोलोगस वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमें इक्वल वर्ड यूज़ करना है अब ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज अटैचिंग दिज टू पार्ट ऑफ क्रोमाटेड नाउ दिस पार्ट इज यू नो वेरी वेल दिस इज नोन एज सेंट्रोमियर ओके नाउ दिस सेंट्रोमियर ऑफ फीमेल क्रोमोजोम एंड मेल क्रोमोजोम दे आर ऑन द सेम पोजिशन पापा जी का भी जो क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर है और जो मम्मी का जो क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेम पोजिशन पर लाई कर रहे हैं अब अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर जो पापा जी का जो क्रोमोजोम की जो क्रोमाटिड है आम है उसका साइज और जो मदर की क्रोमोजोम का क्रोमाटिड का जो साइज है वो बिल्कुल बराबर है मीन्स द होमोलोगस क्रोमोजोम्स आर डिफाइंड एज वॉट दे आर डिफाइंड एज द क्रोमोजोम्स हैविंग क्रोमैट्स ऑफ इक्वल साइज एज वेल एज सेंट्रोमियर एट द सेम पोजिशन ओके अगेन आई हैव ड्रॉन टू होमोलोगस क्रोमोजोम्स The parts which I have marked here on both the chromosomes, you know these are genes. But the place or the position or the size of the gene's existence is known as locus. What do we call? We call them locus. Okay. If I talk about many places of genes, means I talk about this gene, I talk about this gene, I talk about these genes, so the plural is known as loci. वट डू वी कॉल लोकाई चलो जी हमने लोकस के बारे में भी जान लिया वी हैव टॉक्ड अबाउट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स वी हैव टॉक्ड अबाउट द जीन्स आल्सो बट वी नीड टू नो व्हाट इज एलील व्हाट आर एलिलोमोव नाउ यू शुड नो वन एग्जांपल एंड दैट एग्जांपल इज द मूवी जुड़वा एज वेल एज सीता गीता ऑल्सो

एक पर्सन के डबल रोल की बात आ रही है उसी को हम यहाँ पर एलील का भी नाम दे रहे हैं कैसे इसको हम समझते हैं देखिए यहाँ पर मैं हाइट के जीन की बात कर रही हूँ ठीक है हाइट के जीन को मैं कुछ ऐसे लिख रही हूँ इस तरीके से अब आप सोच रहे होंगे जीन तो एक है ये डबल क्यों लिखा है वही मैंने बता दिया कि यहाँ पर जुड़वा मूवी का ही रोल है अब देखो ये इसको हम एलील बोलेंगे ठीक है और इसको भी हम क्या बोलने वाले हैं अलील ही बोलने वाले हैं और ये दो अलील्स मिलकर एक जीन बना देंगे वन जीन किससे मिल रहे हैं टू अलील से मिलकर क्या बन रहा है एक जीन बन रहा है नाउ यू कैन सी हियर दिस जीन इज मेड अप ऑफ टू यू कैन सी वाई आई एम यूजिंग द कलर वेरिएशन टू एक्सप्रेस द करेक्ट वे ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एंड देयर एलील्स यू कैन सी हियर दिस क्रोमोजोम इज फादर्स क्रोमोजोम आई हैव टोल्ड यू तो ये वाला जो एलील आया है इस जीन में ये वाला जो एलील आया है वो इससे आया है इस क्रोमोसोम से आया है जो ये वाला एलील है कैपिटल टी इन ब्लैक दिस हैज कम फ्रॉम मदर तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि जब भी आप एक जीन की बात कर रहे हो और उसी के अंदर दो एलील्स की बात कर रहे हो तो एक एलील हमेशा मदर से एक एलील हमेशा फादर से आएगा हम जो समझ रहे हैं दैट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप मैंने ये पिक्चर इसलिए ऐड की है तो ताकि आप यहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप को एक बेसिक एग्जांपल से समझो देखिए यहाँ पर एक केक आपको दिखाई दे रहा है आई नो आई नो सलाइवा की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही होगी बट होल्ड ऑन यहाँ पर केक जो है मैं केक को बोल रही हूँ फिनो पर उसके अंदर जो रेसिपी है जिससे केक तैयार हुआ है उसको हम बोलेंगे जीनो टाइप, जीनो टाइप का मतलब है इंटरनल मेकअप फिनो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपियरेंस

तो हाइट के जीन को अगर मुझे बताना है कि एक पर्सन की हाइट टॉल है ठीक है तो टॉल हाइट के लिए हम जीन को ऐसे लिख रहे हैं तो किस तरीके से हम उसको लिख रहे हैं किस तरीके से वो इंटरनली बना है उसको हम जीनोटाइप बोल रहे हैं अब अगर मैं इस फॉर्म को इस तरीके से लिखती हूं ये ये भी जीनोटाइप है ये भी टॉल हाइट को ही रिप्रेजेंट करता है आप ये हमेशा नहीं सोच सकते हैं कि हमेशा ही सिर्फ टॉल हाइट के लिए ऐसे लिखा जाएगा नहीं यही एक फायदा है जीनो टाइप के बारे में जानने का एक पर्सन को जानना कि अगर उसकी हाइट टॉल है तो उसका जो जीन मेकअप है वो ऐसे है इस तरीके से अलील्स का अरेंजमेंट है या फिर इस तरीके से अलील्स का अरेंजमेंट है दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ जीनो बट अगर मैं फिनोटाइप की बात करती हूं तो अगर मैं टू पर्सन को देख रही हूं टू पर्सन एक की हाइट टॉल है एक की हाइट शॉर्ट है तो मैं देखकर बता सकती हूं कि कौन टॉल है कौन शॉर्ट है तो जब मैंने आउटर अपियरेंस को देखकर बता दिया कि उस पर्सन की हाइट टॉल है हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फिनोटाइप दैट इज फिनोटाइप तो अब जैसे अभी हमने केक का एग्जाम्पल लिया तो केक जो दिख रहा होता है वो वर्ड होगा फिनोटाइप और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं केक की रेसिपी तो वो है जीनोटाइप मस्ट वी नोइंग अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही इज डेमोक्रेटिकली डोमिनेंट इन इंडिया यू नो वेरी वेल नाउ दिस डोमिनेंट वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक्स ऑल्सो देखिए जो रूल करता है वो डोमिनेंट होता है जो रूलर के साथ में चलता है उनके अकॉर्डिंग चल रहा होता है उसे हम रिसेसिव फॉर्म बोलते हैं अब जैसे आप अपने घर पे देखिए घर पे किसी के घर पे मम्मी का बड़ा रूल होता है किसी के घर में पापा जी का बड़ा रूल होता है तो जो रूल कर रहा है वो डोमिनेंट है जो नहीं रूल कर पा रहा है वो रिसेसिव है अब जनरल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो कोई भी पर्सन अगर वीक होता है तो वीक हमेशा रिसेसिव फॉर्म बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हमेशा डोमिनेंट होता है तो मैं इसको यहाँ पर वीक बोल सकती हूँ ठीक है और इसको मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की फॉर्म में भी आपको बता सकती हूँ अब को हम लिखते कैसे हैं? देखिए ध्यान से अगर मैंने हाइट का जीन लिखा और मैंने थोड़ा इस तरीके से लिख दिया है ठीक है तो ये मैं डोमिनेंट शो कर रही हूं अगर मैंने यहां पर हाइट के जीन को इस तरीके से लिखा तो ये भी डोमिनेंट है बट ध्यान रखिए ये जो पूरा जीन है इस जीन का ये जो कैपिटल टी वाला जो एलील है दिस इज डोमिनेंट बट द स्मॉल टी इज नॉट डोमिनेंट एट ऑल दिस इज नोन एज रिसेसिव रिसेसिव है अब ये जो स्मॉल टी था ये रिसेसिव था इसीलिए हमने इस जीन में इसको पीछे की तरफ लिखा है पहली बात तो ये आपको पता है कि वीक जो होता है वो हमेशा रेस में पीछे ही रहता है तो इसलिए हमने इसको पीछे की तरफ लिख दिया है सेकेंड थिंग आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि ये जो रूलर है रूलर पहले नंबर पर रहेगा रूलर ये जो कैपिटल टी है ये इसको दबा रहा है सप्रेस कर रहा है सप्रेस करने की वजह से अगर मैं इस जीन का एक्सप्रेशन देखूं तो ये भी किसके लिए है टॉल हाइट के लिए है ठीक है तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एक एलील रिसेसिव है दूसरा एलील डोमिनेंट है कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा दैट दिस स्मॉल टी इज नेवर एक्सप्रेस्ड, इज इट सो? नो कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस बट कब जब य पर कैपिटलिटी uh, होगा ही नहीं जब कैपिटलिटी नहीं है तब ये रूल करेगा अब जैसे कि घर पे अगर जी पापा ना हो तो हम बड़े आराम से टीवी देख रहे होते हैं क्योंकि मम्मी से हमें कभी कभी कम डर लगता है है ना ऐसे ही अम uh, और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे स्कूल में कभी आ, क्लास में टीचर नहीं होती तो ऑब्वियसली हम लोग आराम से शोर मचा रहे होते हैं तो जब इसके पास कोई डोमिनेट करने वाला है ही नहीं तो ऑब्वियसली फिर ये अपना काम करेगा और इस फॉर्म में ये क्या करेगा अपनी एक्सप्रेशन शो करेगा यहाँ पर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मैंने बनाए हैं अगर आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर दोनों एलील डिफरेंट हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल है तो डिफरेंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेट्रो अगर क्योंकि ये दोनों हैं, तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर देंगे जाइगस ठीक है तो हिटरोजाइगस वर्ड यूज हो जाएगा अब देखिए सेकेंड कॉम्बिनेशन स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी अगर आप एलील देख रहे हैं तो सेम एलील है तो यहां पर वर्ड क्या यूज हो जाएगा होमो यूज हो जाएगा एलील्स के लिए जाइगस यूज हो जाएगा बट आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्मॉल टी हमेशा सप्रेस होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स बोलते हैं अब अगर मैं यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल टी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर भी सेम एलियल्स हैं सेम के लिए होमोजाइगस बट क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट फॉर्म में होता है इसीलिए यहाँ पर इसको हम होमोजाइगस डोमिनेंट की फॉर्म बताते हैं तो तीन वर्ड्स आपको होप क्लियर हो गए होंगे अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये मैंने एच लिखा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिस इज द जीन फॉर वन डिजीज नोन एज हीमोफीलिया ये आपको हीमोफीलिया जो होगा आप लेटर ऑन चैप्टर में पढ़ेंगे ये टॉल सॉरी हाइट का जीन है ठीक है अब ये हीमोफीलिया का जीन और ये हाइट का जीन दोनों डिफरेंट हैं आपस में तो जब जीन्स डिफरेंट होते हैं तो हम उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं इंटरजेनिक क्या बोलेंगे इंटरजेनिक जैसे अब मैं इंटर और इंट्रा के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस पता होगा आप पहले से सुनते आ रहे हैं दो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में अगर कंपटीशन हो रहा है तो वो इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ऐसे ही अगर दो अलग अलग जीन्स के बारे में बात हो रही है तो वो इंटरजेनिक है पर अगर ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर अब इंटरजेनिक के बाद हम ध्यान से देखिए यहाँ पर ये कैपिटल टी है ये स्मॉल टी है ठीक है ये दोनों एलील्स हैं अगर ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन चल रही है इंटरैक्शन को हम बोलते क्या हैं यहाँ पर हम या तो इनको एलिक इंटरैक्शंस बोल सकते हैं एलिलिक इंटरैक्शंस बोल सकते हैं या फिर हम इनको इंटराजीन इंटरक्शन बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इंट्राजीन इंट्राजीन क्यों बोला क्योंकि आपको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही जीन बनाएगा जब एक ही जीन बना रहा है तो ऑब्वियसली हम जीन के अंदर की बात कर रहे हैं तो इसीलिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा इंट्राजीन यूज हो जाए अब जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो पहले मूवी स्टार्ट होने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दी जाती है वैसे ही हम लोगों ने कुछ करेक्टर्स uh, के बारे में लाइक जिनोटाइप विनोटाइप लोकस इनके बारे में अब हमने जान लिया है जिन्होंने आगे रोल प्ले करना है बट अभी तक हमने मेन लीड की उतने अच्छे से बात नहीं की है हमारे हीरो मेंडल की बात अभी तक हमने नहीं की है तो उनका जो बर्थ हुआ था वो ट्वेंटी जुलाई एटीन को यूरोप में हाइजन में हुआ था एक पुअर पीजन फैमिली में बट से जो पीजन फैमिली से बिलोंग कर रहा था वो लेटर ओन कितना ज्यादा मतलब फेमस हो गया ये आप देख ही सकते हैं और अभी हम और जानेंगे अब अगर मैं बात करती हूँ इनकी स्टडी की तो स्टडी इनकी सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो सेंट थॉमस इन ब्रन में हुई थी ब्रन एक जगह का नाम है जो अब ब्रूनो के नाम से जाना जाता है वहां पर जाकर इनका मेंडल से नाम ग्रेगर जॉन मेंडल कर दिया गया था अब लेटर ऑन इसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए थे जहाँ पर इन्होंने फिजिक्स और मैथ्स पढ़े थे अब देखो थे तो वो बायोलॉजिस्ट काम तो उन्होंने बायोलॉजी में किया बट इनके पास नॉलेज मैथ्स और फिजिक्स की भी थी तो इनका जो रिजल्ट थे वो इसीलिए आज तक सक्सेसफुल हैं और उन्हीं की स्टडी हम पढ़ रहे हैं अब इनका काम था क्या क्या इन्होंने काम किया था ही वर्कड ऑन वन प्लांट विच इज वेरी वेरी फेमस दैट इज गार्डन पी यू कैन से एडिबल पी जो हम घर में मटर खाते हैं जिनका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम 1856 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन फर्स्ट चैप्टर दैट इज फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर यू मस्ट हैडाइजेशन एक्सपेरिमेंट समीटेल एंड सम बेसिक्स ऑल्सो अब एटीन फिफ्टी सिक्स से लेकर एटीन सिक्सटी थ्री तक यहाँ पर इतने सालों में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था एंड उसके बाद जाकर इनके रिजल्ट इन्होंने बताए बट बत इनकी जो एक बदकिस्मती कहूंगी मैं वो यही थी जब इन्होंने पाइसम से टाइवम पर काम किया था इन्होंने अपने कलीग्स को उस काम के बारे में बताया पर इनके काम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी ये कुछ डिप्रेशन में भी जा रहे थे डिप्रेशन का मतलब ही वॉज वेरी वेरी अपसेट बिकॉज इतनी मेहनत करने के बाद भी इनके काम को उतनी रिकोगनीशन उतनी क्या रिकोगनीशन मिली ही नहीं उस टाइम पर जब तक ये जिंदा थे जब एक पर्सन स्ट्रेस में होता है तो उसको बहुत बीमारियां हो जाती

बट उनके जीते जी उनके हार्डवर्क को कुछ नाम नहीं मिला था बट लेटर ऑन वो बहुत फेमस हो गए हैं आज तक हम उनके एक्सपेरिमेंट्स को जान रहे हैं तो यस हार्डवर्क करना बहुत ज्यादा यूजफुल होता है आज नहीं तो कल आपकी भी मेहनत काम लाएगी तो कीप ऑन डूइंग हार्डवर्क What were द reasons ऑफ चूजिंग पाइसम सेटाइवम प्लांट्स सबसे पहले इट वॉज ईजी टू ग्रो इन अ वेरी वेरी स्मॉल एरिया छोटों से एरिया में उसको ग्रो किया जा सकता था ठीक है एक बहुत कम टाइम में बहुत ही कम टाइम में विद इन वीक्स इसके ऑफ स्प्रिंग्स बहुत ज्यादा हो जाते थे देखिए ऑफ स्प्रिंग वर्ड प्रोजनी वर्ड भी बार बार यूज होगा एक होता है पेरेंटल जनरेशन मतलब पेरेंट्स पेरेंट से आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको हम प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग बोलते हैं दिस टर्मिनोलॉजी इज अगेन इम्पॉर्टेंट अब नेक्स्ट रीजन क्या था मैंने आपको जैसे अभी अभी एक वर्ड बोला था प्रोड्यूस प्योर लाइंस। प्योर लाइन का मतलब मैंने आपको बता दिया जिनके पास करेक्टर्स वाइल्ड करेक्टर्स थे मीन्स की अच्छे एक्सप्रेशन शो कर रहे थे ठीक है अब देखिए अगर आप अगर आपने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको बहुत अच्छे से अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में मीनिंग पता होगा अगर हम एक ही प्लांट में एक ही प्लांट में बार बार उनकी सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहे एक ही प्लांट के फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन कराते रहे तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन इजी था बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता था ये प्लांट ऐसा था जो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकता था तो ये बहुत एक एक्सेप्शनल एक सा केस है जो सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन दोनों करा सकता था Here we are going to discuss about the two important terms that is straight and pure line. Trait means एनी character, दैट character which इज़ गोइंग टू पास फ्रॉम पेरेंट टू their offspring. जैसे कि आई कलर का जो जीन होता है वो जब एक्सप्रेस कर रहा है और आगे जाकर वो progeny में भी पास हो रहा है और अगर हम बात करते हैं कि पेरेंट्स की हाइट अगर टॉल है तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे की भी हाइट टॉल ही होगी तो इस तरीके के जो characters होते हैं उसे हम trait के नाम से जानते हैं जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है तो trait वर्ड अब आप याद रखेंगे प्योर लाइन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ये टर्म किसने दी थी जिन्होंने जीन की टर्म दी थी याद करिए जीन टर्म किसने दी थी जीन टर्म दी थी जॉनसन ने जो एनसन ने सॉरी यहाँ पर कब दी थी नाइनटीन हंड्रेड में दी थी अब ये प्योर लाइन के लिए सिनोनीम्स के यूज़ होते हैं प्योर लाइन के लिए सिनोनीम्स वाइल्ड पेरेंट्स और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स ये यूज हो सकते हैं ट्रू ब्रीडिंग बाय सेल्फ पॉलिनेशन इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक सिंपल सी टर्म से डिपिक्ट कर सकती हूँ दैट इज होमोजाइगोसिटी क्या बोल सकते हैं हम इसे होमोजाइगोसिटी अब आप समझ रहे हैं कि होमो का मतलब तो सेम ही है जैसे कि अगर एक पेरेंट इस तरीके से एक जीन है उसके पास एक जीन ये है एक पेरेंट के पास पेरेंट वन मैं इसको बोल सकती हूँ और अगर दूसरे पेरेंट को मैं देखूँ तो दूसरे पेरेंट के पास भी कुछ ऐसा ही जीन है ये पेरेंट टू हो गया ठीक है तो अगर ये पेरेंट और ये पेरेंट आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो प्रोजनी आ रही है वो भी यही आ रही है तो देखो ये होमोजाइगस था ये भी होमोजाइगस था आगे वाली प्रोजेनी भी क्या हो गई होमोजाइगस तो प्योर लाइन मीन्स टू मेंटेन द होमोजाइगोसिटी ऑफ द कैरेक्टर्स इफ यू हैव अंडरस्ट दर्म ट्रेड आई होप यू विल ईजीली अंडरस्टैंड अनादर टर्म नोन कंट्रास्टिंग ट्रेट और कंट्रास्टिंग करेक्टर्स देखिये मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे डेली लाइफ के बारे में आपको बताती हूँ कैसे हम इसको यूज करते हैं जैसे कि इफ आई एम गोइंग टू अ पार्टी ठीक है आई एम गेटिंग रेडी आई एल चूज माई अटायर्स इफ आई हैव चूज एन वाइट टॉप फॉर मी देन आई एल चूज सम ब्लैक पैंट फॉर मी टू मेक अ गुड कॉम्बो और इफ़ आई हैव चूज वाइट शर्ट दल मेक ब्लू पैंट कॉम्बो ओके तो इस तरीका का कॉम्बो जो बन रहा है वो कंट्रास्ट फॉर्म में आ रहा है ऐसे ही अगर आप पिज्जा खा रहे हो तो ऑब्वियसली उसके साथ आप मेनली कोल्ड ड्रिंक लेते हो चाय तो नहीं पी रहे हो वाई बिकॉज दैट इज मेकिंग अ गुड कॉम्बो दैट पेप्सी और कोका कोला विद पिज्जा है ना तो इसी तरीके से कंट्रास्टिंग करेक्टर्स यहाँ पर हम बात करेंगे क्या हुआ था मेंडल ने पाइसम से पे जब काम किया तो वो चाहते थे कि ए ऐसे प्लांट बनाने जिनमें हम लोग अपने तरीके से करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर पाए तो उन्होंने प्लांट्स लिए प्लांट्स के करेक्टर्स को देखा और उनके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने आगे रिजल्ट हमें दिए अब क्या हुआ था देखिए यहाँ पर ध्यान से ये सेवन करेक्टर्स हैं ठीक है ऊपर देखिए सेवन करेक्टर्स लिखे हुए बट एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दे आर सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स क्या इसका मतलब क्या है ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना आपने क्या हुआ एक प्लांट लिया उस प्लांट के जो सीड्स थे क्या थे राउंड थे एक प्लांट का सीड राउंड था तो दूसरे प्लांट का सीड रिंकल्ड था ये दोनों आपस में क्रॉस करवाए गए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इन दोनों को लिया गया और इनकी क्रॉसिंग की गई ऐसे सीट कलर में एक सीट uh, का कलर येलो था एक का ग्रीन था इनको आपस में हाइब्रिडाइज कराया गया अब ध्यान से देखिए यहाँ मैं पोड शेप की बात कर रही हूँ ये क्या है सीट शेप पोर्ड का मतलब है द स्ट्रक्चर और द कवरिंग इन विच द मेन फ्रूट इज एम्बेडेड लाइक हम लोग घर में मटर देखते हैं तो मटर का जो छिलका होता है कवरिंग जो होती है लेयर जो होती हैं उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पोड बोल रहे हैं तो पोड इन्फ्लेटेड है और अगर उसके अंदर का स्ट्रक्चर अगर अगर हम बात करते हैं इसी का कंट्रास्टिंग फॉर्म तो वो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म आ जाता है कंस्ट्रिक्टेड पिचका हुआ जिसको हम बोल सकते हैं फिर पोड कलर अब ये इसी के कलर की बात हो रही है मटर का जो छिलका होता है उसके जो कलर हम नॉर्मली ग्रीन कलर देखते हैं बट येस देयर इज अनदर करेक्टर नोन एज येलो कलर पोट कलर ठीक है अब नेक्स्ट जो है फ्लावर कलर फ्लावर पर्पल भी हो सकता है वाइट भी हो सकता है फ्लावर की अगर मैं पोजीशन देखूं तो एक्सेस पे एक्सेस पे ऐसे समझ रहे हो इस तरीके से एक्सेस पे जा रहा है या फिर टर्मिनल मतलब बिल्कुल एंड पर टर्म लास्ट एंड पर प्रेजेंट है प्लांट की हाइट एक पेरेंट की टॉल तो दूसरे की शॉर्ट या डॉफ है ठीक है तो अब ये सारे हमने कंट्रास्टिंग करेक्टर्स पढ़ लिए देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए सेवन करेक्टर्स एंड सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स या फिर हम इसको फोर्टीन करेक्टर्स फोर्टीन पेयर्स ऑफ करेक्टर्स हमने करेक्टर्स के बारे में तो पढ़ लिया है करेक्टर्स के बारे में भी पढ़ लिया ये भी देख लिया कि जी क्रोमोजोम नंबर कौन कौन से हैं पर इनको लर्न कैसे करना है बात वहां आ जाती है तो देखो लर्न करने का एक तरीका है वेरी वेरी इजी ट्रिक टू लर्न आप एक स्टोरी की फॉर्म में समझेंगे अभी से ठीक है आप मार्केट गए ठीक है आपको एक प्लांट ग्रो करना है आप चाहते हैं उस प्लांट पर फ्लावर्स आए फ्लावर्स फ्रूट्स आए आप उनको अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं ठीक है उसकी पूरी लाइफ साइकिल को देखना चाहते हैं तो आप पूरा प्रोसेस करेंगे उस पूरे प्रोसेस में पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा ओब्वियसली यू गो टू मार्केट यू बाय सीड्स अब सबसे पहले जब हम सीड्स देखते हैं तो सीड का जो कलर है हम वो सबसे पहले नोटिस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने सीड का कलर देखा तो वो कहाँ कौन से क्रोमोजोम पर था फर्स्ट पर था अब क्या किया आप आए। आप आए, आकर आपने इस आ, सीट को सो कर दिया है सो करने के बाद आप धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट को देख रहे हो कि जी स्टेम बढ़ रही है स्टेम की ग्रोथ हो रही है तो जो स्टेम की हाइट का जो जीन है वो कौन से क्रोमोजोम पर है फोर्थ पर है अब ठीक है जी भी लाइफ साइकिल चलती जा रही है तो जिस स्टेम ग्रो कर चुकी है तो ऑब्वियसली वो मेच्योर स्टेज पर भी जाएगा प्लांट तो प्लांटर करेगा ही करेगा मेच्योर करेगा तो वो रिप्रोडक्टिव स्टेज पर पहुंचेगा रिप्रोडक्टिव स्टेज पर पहुंचा तो उसमें क्या ग्रो हुआ फ्लावर ग्रो हो गया हमें पता है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट अब जब फ्लावर ग्रो हुआ तो अगेन हमने उसका पहले कलर देखा अब कलर देखा तो कलर का जो क्रोमोजोम था वो कहा था फर्स्ट पर था ठीक है अब कलर देखने के बाद हमने देखा जी प्रेजेंट कहाँ है एक्सियल पर यानी कि एक्सेस पर है या टर्मिनल पर है तो फ्लार की पोजीशन का क्रोमोजोम फोर्थ पर है ध्यान दीजिए जैसे जैसे करेक्टर बदल रहा है क्रोमोजोम का नंबर भी बदल रहा है अब वैसे यहां पर देखेंगे अब क्या हुआ जब फ्लावर ग्रो कर गया है ठीक है फ्लावर ग्रो किया मतलब अब फ्लावर मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है फ्लावर मेच्योर मे होने का मतलब अब वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है जब वो फर्टिलाइजेशन कर लेगा तो जो उसकी ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में या पोड में कन्वर्ट हो जाएगी तो देखिए जब वो पोड बनी तो हमने सबसे पहले उसकी कलर ना देख कर अब उसका क्या देखा पहले शेप देखा आपने देखा है ना कि मटर में कुछ इस तरीके से छोटे छोटे मटर अरेंज हुए होते हैं तो ध्यान से देखिए इस फोर्ट शेप में जो मटर की जो अरेंजमेंट है वैसे कुछ एट शेप में दिख रही है ठीक है अब एट शेप में दिख रही है तो इसका एट का हाफ क्या होता है चार या फिर आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं जैसे हम हर करेक्टर में पहले से स्टार्ट कर रहे हैं सीज का कलर फर्स्ट स्टेम का उसके बाद क्या आ गया फोर फिर फ्लार आया फ्लार पहले वन फिर पोजीशन फोर फिर पोड पोड पहले हमने लिया तो उसकी शेप देखी तो फिर सबसे छोटा नंबर ले लिया फोर्थ फिर पोड कलर कौन से नंबर पर आ जाएगा फिफ्थ पर आ जाएगा ठीक है अब लास्ट में जब ये भी ग्रोथ हो गया है फ्रूट भी बन चुका है फ्रूट के अंदर क्या होंगे सीड्स होंगे सीड्स की अब हमने क्या देखनी है शेप देखनी है शेप कौन से क्रोमोजोम पर है सेवन पर है तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में याद रखना पड़ेगा ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप रटने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा ध्यान से स्टेप वाइज आपको लर्न करना है और यहाँ पर पोर्ड शेप पोर्ड कलर का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको आप इस तरीके से लर्न करेंगे तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं एक स्टोरी की फॉर्म में लर्न करने की कोशिश कीजिए

As I have already told you, he went to University of Vienna, where he worked on physics as well as maths, जहाँ से उनको physics maths के साथ साथ इतनी knowledge मिली और वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बॉटनिस्ट बन गए तो जब किसी भी पर्सन के पास इतनी नॉलेज होती है तो हम उसे वर्सिटाइल बोलते हैं तो यस ही वॉज अ वर्सिटाइल पर्सन तो उनके जो स्टैट्स की नॉलेज मैथ्स की नॉलेज इन सब ने उन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए उसके बाद इनकी एक और सक्सेसफुल थ्योरी क्या थी कि जितने भी प्लांट्स पर उन्होंने काम किया है वो क्या थे पाइसम के प्लांट थे फिर उन्होंने इन्हीं रिजल्ट्स को ये जो जितने भी आ, उनको रिज़ल्ट स्पाइसम टाइबम पर मिल रहे थे वो रिजल्ट वो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने दूसरे कुछ प्लांट्स पर भी ट्राई करके देखे कुछ प्लांट्स पर उनको सक्सेस मिली काफ़ी मिली कुछ पे नहीं भी मिली थी वो मैं आपको नेम लेटर ऑन बताऊँगी किन पर उनको सक्सेस नहीं मिली थी बट कुछ सेम ट्रेड को यूज़ करके सेम ट्रेड का मतलब मान लो उन्होंने एक प्लांट जैसे वॉयलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर का एक कैरेक्टर उन्होंने चूज किया तो यही ट्रेड को उन्होंने काफ़ी प्लांट्स पर ट्राई करके देखे कौन से एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट और वो सक्सेसफुल भी हुए नेक्स्ट क्या था यहाँ पर ही वो सक्सेसफुल इन टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट फॉर सक्सेसिव जनरेशन ऐसा नहीं था कि उनके जो रिजल्ट थे वो एक ही जनरेशन तक आकर रुक गए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन होती है पेरेंट्स हाइब्रिडाइज क्रॉसिंग करेंगे ठीक है क्रॉस ब्रीडिंग होती है उसके बाद उनके नेक्स्ट जनरेशन uh, बनती है फिर उसके बाद और नेक्स्ट जनरेशन्स आती हैं तो इसको हम सक्सेसिव जनरेशन्स इसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे डोंट वरी बट उनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसिव जनरेशन्स में भी सक्सेसफुल हो रहे थे इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली